दोस्तों, आज मैं जो है कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ। सूखी सब्ज़ी बनेगी दोस्तों। देखिए, हमने ये केला जो है काट करके इसको चिप्स के आकार में छील लिया है। देखिए दोस्तों, ये केला है। ये केले को मैंने काट करके धो करके एकदम छील लिया है। इसमें हम मसाला क्या डालेंगे दोस्तों, देखिए, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है। इसमें हम सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रहे हैं दोस्तों। ये सरसों का तेल हमने डाल दिया। इसमें दोस्तों अजवाइन, अजवाइन बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत फ़ायदा करता है पेट वगैरह के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें हमने अजवाइन डाल दिया है। देखिए दोस्तों, तड़का जो है जल रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, तड़का जो है जल चुका है। को पूरी तरह जल जाने के बाद ही सब्ज़ी को डालिए। अभी तड़का हमारा जल चुका, हमने इसमें सब्ज़ी डाल दिया है। देखिए दोस्तों, देखिए ये सब्ज़ी मैं पूरी डाल दें, अभी सारे मसाले मैं एक साथ इसमें डाल दूँगा। इसको फिर हम चला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे मसाले को डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद हम जो है इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने नमक डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हम दोस्तों पानी मिला देंगे ताकि ये जो है आसानी से पक जाए। बस इतना ही पानी हमको मिलाना है। देखिए दोस्तों, सब्ज़ी जो है एक मिनट हो गए हैं, ये जो है देखिए दोस्तों पक चुका है। ये जो है पानी भी इसका जो है ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए दोस्तों। देखिए, इसे जो है बहुत जल्दी से तैयार होने वाली सब्ज़ी है दोस्तों। माताओं बहनों, आप सभी इसको जल्द से जल्द बच्चों के लिए टिफ़िन में बना के कर सकती हैं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से। ये पकने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही लाभप्रद सब्ज़ी होती है।